नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शिवदास। शिवदास जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला हूँ नंदाना गांव और खंडवा जिला पुनासा तहसील। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने ली 2017। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी भगत जी, हम करते थे, मतलब सब देव देवता की भक्ति करते थे। रामदेवरा भी जाते थे हम बस से यात्रा, पर कोई हमको लाभ नहीं हुआ। और जैसे हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी, हमारे जैसे माता पिता राधा स्वामी जी से जुड़े थे, उनने 20 साल भक्ति की, तो हमारी माता जी को ये सब बीमारी, उनको भी चक्कर की थी, और हमारा पिताजी को भी टीबी हो गई, तो सब संग सत्संगत में जाते थे वो। तो हम बोलते थे भैया तुम जैसे सत्संगत में जा रहे हो तो गुरु जी से प्रार्थना करो, तो वो बोलते भैया हम तो सब कर रहे हैं वहाँ। उनका नाम भी उनके जपते थे, खूब भक्ति करते थे वो, हर हमेशा जाते थे, उनके कोई लाभ नहीं हुआ। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की पूजा करते थे और आपके माता पिता 20 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े थे जो कि बहुत परेशान थे, आप लोग भी बहुत परेशान थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हमारे घर जैसे उमेश दास जी आए पोखर से, तो उनने बोला कि भुआ जी तुम आप तो हमारे साथ सत्संग में चला करो हरियाणा, संत रामपाल जी के वहाँ पे। तो कि नहीं भैया हम माने जाएंगे, तो एक गुरु बना लिया। तो कि गुरु जैसे तुम्हारा बीमारी है, तुम तो इलाज तो कराना पड़ेगा, एक डॉक्टर के पास गए दूसरे के पास जाना ही पड़ेगा, कि एक के पास रहोगे? कि नहीं भैया दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगा इलाज कराने के लिए। भुआ तू तो हमारे साथ चलो, और संत रामपाल जी महाराज है वहाँ, सब बीमारी का भी इलाज होता है और मोक्ष होता है। तो ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, हमारे बच्चा है उनको भी ये फिट की बीमारी हो चुकी है, मिर्गी आती है, मैं भी बहुत नशा कर रहा था। तो कहे तुम घर भर के बर्बाद हो गए, पर हम कह रहे हमारी मानते नहीं, कि नहीं भैया तुम्हारे गुरु तो बहुत ऐसे है वैसे है। ऐसे करते करते बहुत हमारे हम घर बा सब घर के हमारे परेशान हो गए, हमारे पिताजी भी टीबी के हमारे बहुत परेशान हो गए, हमारी माताजी भी बहुत परेशान हो गई। फिर उमेश भगत जी के कहने से हमारी माताजी फिर उनके साथ हरियाणा वहाँ गए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। वो बोले भैया तू भी जो बच्चे को तू ले जाते रहे, तेरी इनके बच्चे की भी सुधरी जाएगी, तेरी भी सुधरी जाएगी, तू बहुत नशा करता है। मैंने कि नहीं, ये तुम्हारा गुरु जी तो कुछ भी नहीं करने देता वहाँ। तो हमारी मम्मी ने फिर नाम दीक्षा ले ली, तो भगत जी ऐसे 8 रोज भी नहीं हुए थे, और हमारी मम्मी का जो चक्कर आना, वो एड़ी पैर की जो खूब दर्द करती थी वो बंद हो गई। तो हमने सोचा भैया संत रामपाल जी महाराज में शक्ति तो है, तो वैसे वगैरह हमारा भाव बाहर नहीं आता, अंदर के अंदर हम सोचते थे कि भक्ति में शक्ति तो है। तो फिर मैंने बोला भाई हमारे बच्चे को भी ले जाओ तुम, कि नहीं भैया तुम्हारी औलाद है संत रामपाल जी के वहाँ, तुम ले जाओ और ये बच्चा का तो ठीक हो जाएगा। तो फिर जैसे 1-2 महीने बाद मैंने मेरे लड़का को भी भेज दिया मम्मी के साथ रामपाल जी महाराज के आश्रम में बरवाला, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। तो बरवाला से फिर आए तो हमारे मतलब लड़का भी ठीक होने लग गया, और जैसे मेरे को बहुत दुख होता भगत जी, हम जैसे कर्जे में डूबे हुए थे, तो हमारी मम्मी बोलती भैया तुम भी नाम दीक्षा ले लो संत रामपाल जी महाराज से भैया। तो मैंने कि मैं नहीं लूँगा नाम दीक्षा, मैं तो बहुत मेरा इधर ही अच्छा हूँ मैं तो। फिर उमेश दास जी फिर हमारे घर आए पोखर से, कि भैया तू भी अब समझ जा, इसमें कुछ भी नहीं रखा है, तू संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ले। मैंने कि रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा तो ले लूँ, पहले मेरी जो पत्नी की बीमारी है उसको डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था कि ऑपरेशन होगा इनका। तो मैंने कि भैया ये कभी हमारी पत्नी ठीक हो जाए तो मैं नाम ले लूँगा, पत्नी तो ठीक हो जाए फिर तू नाम ले लेगा। मैंने कि हाँ, और मैं जैसे 4 महीने देखूंगा, मैंने जिसके बाद लूँगा। तो मेरी पत्नी को फिर उन्हें भैया ले गए संत रामपाल जी के वहाँ हरियाणा। तो फिर नाम दीक्षा लिए के आया तो उनकी बीमारी भी ठीक हो गई, उनकी बीमारी ठीक हो गई। तो हमारी पत्नी बोलती है कि तुम भी ले लो। मैंने कि मैं नहीं लूँगा, तुम वो तो गुरु जी सब बीड़ी भी नहीं पीन देते वहाँ तो, और हम जैसे मैं खेत किसान आदमी हूँ, मटके भी बनाता हूँ, मैं तो बीड़ी की रफत है, रात में उठता हूँ पानी फिरने जाता हूँ बीड़ी तो पीता हूँ। कि बीड़ी पीते हो जैसे अपने घर में चूल्हा देखते हो तुम क्या? हाँ, मैंने कि चूल्हा तो देखता हूँ कि उसके अंदर कितनी काली लकड़ी हो जाती है, वैसा तुम्हारा शरीर भी नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कि देखे जाएगी, कौन ने देखा? ऐसे करते करते भगत जी मैं बहुत आफत में आ गया। तो फिर मैं भी धीरे धीरे उमेश भगत जी से बोला, मैंने कि चलो भगत जी मेरे को भी नाम दीक्षा दिलाओ। तो मैं गया नाम दीक्षा सेंटर पे, गया ऐसे नाम दीक्षा ली वहाँ से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? बहुत लाभ हुआ, जैसे कर्जा माथे था संत रामपाल जी के महाराज की भक्ति से हम सबका देना लेना सब हो गया, वो भी लाभ हुआ। जिसके बाद में हम जैसे भक्ति करने लग गए संत रामपाल जी महाराज की सब घर के, तो हमारे जैसे समाज वाले बहुत करने लग गए, भैया अब तो संत रामपाल जी के महाराज हो गए, ये तो जी दूसरे के पास जाते भी नहीं है, संत रामपाल जी महाराज भगवान हो गए। मैंने
तो मैं बोलता था भैया कि हमारा तो भगवान रामपाल जी महाराज जी है भैया। तो ऐसे सर जी, जैसे हमने पानी का होल पहले ही लगवा लिया था तो वो सूखा चलेगा दोनों होल, तो हमने मटके ढक दिया, मटके ऊपर उसके होल के ऊपर सूखे बोर पे। तो जैसे एक पीछे हमारा कुआ है भाई का, तो उसमें से हम मोटर डाल दी कि मोटर डाल दे तू इसमें से पानी पिया कर। अब ऐसा हमने नाम ले लिया, विरोध हो गया। तो फिर वो उनके कुओं में से हमारे जैसे पानी आता था, मोटर हिड़वा दी कि भैया तुम जैसे संत रामपाल जी के महाराज के शिष्य हो तो ये कुआं में से मोटर निकाल दो। हमारे समाज के लोग भी बहुत ज़्यादा करने लग गए कि नहीं, इनको पानी भी नहीं देना है, ऐसा विरोध हो गया। इनको आटा चक्की भी गाँव में से नहीं पिसाने देना है, इनको संत रामपाल जी के शिष्यों को यहाँ रहने भी नहीं देना है। तो वो कुआं में से मोटर हिड़ा दी, तो हमारे घर वाले बहुत परेशान हो गए। उस रोज़ हमने भंडारा भी नहीं किया, मैंने कि अब तो बहुत बुरा हुआ अपने में, ये लोग तो पानी भी नहीं पीने दे, अपने जैसे रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया, तो ये लोगों को बहुत आखर गई। तो हमने संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ प्रार्थना लगे हमने हरियाणा, तो वहाँ से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे। आप दूसरे रोज हमने मतलब वो सूखे होल में मोटर डाली, मैंने कि परमात्मा तुम ही आप लाज रखना संत रामपाल जी महाराज, और उनके नाम लेके हमने मोटर डाल दी भगत जी। तो फिर वो जैसे होल में मोटर डाली तो मोटर हमारी खूब पानी देने लगी वहाँ। तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते हैं, अरे ये तो क्या है कि ये झूठ बोल रहे हैं, पानी रात में भर के लाते होंगे और पीते होंगे ये। अरे मैंने कि भैया मोटर डाल दी, खूब पानी आ रहा होल में, सूखा होल में से, और संत रामपाल जी महाराज से हमको बहुत लाभ हुआ है। जैसे मेरी मम्मी को तकलीफ थी पैर में, वो भी ठीक हो गई संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से। और जैसे वो क्या बोलता है, उनको चक्कर भी आते थे, वो भी संत रामपाल जी महाराज के जाने से वहाँ से ठीक हुआ। हमारे पिताजी को टीबी की बीमारी थी, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से उनकी वो भी ठीक हो गई। मेरे बच्चे को जैसे मिर्गी आती थी, फिट की बीमारी थी, वो भी ठीक हो गई। मेरी पत्नी को जैसे ऑपरेशन के बोला था, उनके बच्चेदानी में मतलब ऐसा सड़ाव लगा था, वो बीमारी थी उनको, वो भी आज संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से ठीक हो गया। मेरी मम्मी को थायराइड की बीमारी थी, शुगर थी, 20 साल से बीमार थी, पर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो बीमारी भी ठीक हो गई। और नशा खूब करता था मैं, खाना पीना मांस मछली बहुत, मैं तो समझो कि सांड की तरह चढ़ता था। संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने से मेरे वो सब नशा सब मुक्त हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाओ और अपना कल्याण करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे जा सकते हैं? जैसे अपने टीवी पे 7:30 बजे साधना चैनल है, उस पर पट्टी आती है, उस पर सब लिखा होता है कि कहाँ नामधाम स्थल है, और अपना जहाँ भी नामधाम स्थल है वहाँ से संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर सर।